नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुरादाबाद में कोशर हयात खान ने सोशल मीडिया पर अपना एक स्टेटमेंट जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बड़े बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म कहना संविधान का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए और वर्तमान समय में देश में खुलेआम देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये काम देश के ही संवैधानिक पर्दों पर बैठे अधिकारियों द्वारा लगातार जारी रखा जा रहा है। वहीं पुलिस और प्रशासन भी संविधान के खिलाफ काम कर रहा है और हाल ही में यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया और उसे राष्ट्रीय धर्म के रूप में ही लागू करने की बात कही, जो देश के संविधान का घोर उल्लंघन है। और जबकि योगी जी मुख्यमंत्री पद पर हैं और उन्होंने देश के संविधान के अनुसार काम करने और संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है, संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह के बयानों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अंदर एक प्रोग्राम में कहा है कि सनातन धर्म इस मुल्क का राष्ट्रीय धर्म है और वो इसको कायम करने के लिए और नाफिस करने के लिए मुहिम चलाएंगे। ये बड़ा अफसोसनाक बयान है। वजीर आला एक दस्तूरी ओहदे पर फाइज हैं और उस दस्तूरी ओहदे पर फाइज होने के बाद उन्होंने दस्तूर के मुताबिक काम करने और दस्तूर की हिफाजत करने की कसम खाई है। एक वजीर आला या वजीर आजम या कोई मिनिस्टर दस्तूर का पूरी तरह पाबंद है, वो दस्तूर के खिलाफ नहीं जा सकता। और इस मुल्क का दस्तूर एक सेकुलर दस्तूर है, तमाम मजाहिब का बराबर दर्जा है और बराबर एहतराम है। कोई मजहब न छोटा है न बड़ा है, इसलिए कोई एक मजहब राष्ट्रीय धर्म नहीं हो सकता। इस तरह के बयानात से सिवाय देश में अनार्की फैलेगी, अराजकता फैलेगी। यूपी के पीलीभीत जनपद में प्रमुख समाज सेवी और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने सेल्फ डिफेंस और फिटनेस परीक्षण शिविर का आयोजन किया और इस शिविर में ही स्कूल और कॉलेज के छात्राओं को जरूरत पड़ने पर सेल्फ डिफेंस का परीक्षण, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम का अभ्यास करवाया जा रहा है। आपको बताते चले कि आज से शुरू हुए इस शिविर के दिन ही लगभग 300 छात्राओं ने इसका लाभ उठाया है। शहर के वीरांगना अवंती बाई जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत से इस सेल्फ डिफेंस और फिटनेस परीक्षण शिविर की शुरुआत की गई और शिविर में ही दीपक भास्कर, अमित भारद्वाज, संजीव जिंदल के द्वारा परीक्षण किया गया है। वहीं डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने बताया है कि इस सेल्फ डिफेंस और फिटनेस परीक्षण शिविर का आयोजन शहर के लगभग सभी महिला विद्यालय और महिला कॉलेज में किया जाएगा। ये हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है और इसको हम संभवतः पीलीभीत के सभी स्कूल्स में और कॉलेजेस में करेंगे। गर्ल्स के लिए ये सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन ट्रेनिंग है। जैसे लड़कियां कहीं मार्केट जाती हैं या कहीं जाती हैं, कभी अकेले होती हैं, साथ में कहीं भी नहीं होता है, तो अगर बच्चों को ये शिक्षा भी दी जाएगी, उनको जानकारी होगी कि खुद का बचाव कैसे करना है अगर आप किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो वो खुद का बचाव कर पाएँ। आज से उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में हम एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे कि हम किसी मुश्किल या परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो इस उद्देश्य से कि लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आनी चाहिए, उन्हें खुद का बचाव करना आना चाहिए, उस मकसद से हमने ये MMA ट्रेनिंग वर्कशॉप स्टार्ट करी है। जो हमारी टीम है ये बरेली से आई है, ये इंटरनेशनल ट्रेनर हैं जो आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं और बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए भी ट्रेन करते हैं। तो इसी उद्देश्य से कि लड़कियां को सीख पाएँ, अपना आत्मनिर्भर बन पाए, अपने आप की सुरक्षा स्वयं कर पाएँ, इस उद्देश्य से हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है।
अब खबर मथुरा से है, जहां एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देशन में ही बड़ी कार्रवाई की गई है। ये डकैती के मामले में फरार चल रहे शातिर बदमाश से पुलिस मुठभेड़ हुई और इस दौरान 25,000 के इनामी रहमुद्दीन जिला फरीदाबाद को धर दबोचा गया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पकड़े गए शातिर बदमाश के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक अवैध पिस्तल और 32 बोर जिंदा कारतूस, और इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 जिंदा कारतूस बताए जा रहे हैं और 4 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अलीगढ़ जिले के ही गिलास कस्बे में बसंत पंचमी के मेले में बार बालाओं ने ही फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए हैं और इस दौरान ही लोगों में जमकर मारपीट और लात घूसे भी चले हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और खास बात ये रही कि इस बार ही पूरा मेला प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन की देखरेख में लगा और मेला संरक्षक SDM भावना सिंह, CO राघवेंद्र सिंह, तहसीलदार समेत मेला अध्यक्ष नायब तहसीलदार मयंक गोयल भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बावजूद भी मेले में लग रहे बार बालाओं के ठुमके से सभी अधिकारी बेखबर दिखाई दिए हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बताते चले आपको कि जिले के ही गिलास थाना क्षेत्र में इन दिनों बसंत पंचमी का मेला लगा है और जहाँ क्षेत्र से लेकर आसपास के लोग अपने परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठाने पहुँचते हैं और मेले में एक ऐसी डांस पार्टी लगाई गई जहाँ पर जमकर लीलता परोसी जा रही है। और खास बात यह रही कि मेले में इस बार आयोजक प्रशासनिक अधिकारी रही और बार बालाएं अश्लीलता की सारी हदें पार करते हुए स्टेज पर ठुमके लगाती रही। और इसी खबर पर हमारे साथ आकाश कुमार जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बार बालाओं ने यहाँ ठुमके लगाए हैं, यहाँ मेले में बच्चे भी मौजूद रहते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो कैसे वहां का माहौल देखने को मिला है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष की तरह अलीगढ़ तहसील के इगलास क्षेत्र में ये जो बसंत पंचमी का जो मेला है वो आयोजन किया जाता है। और लेकिन साफ तौर से आपको बता दूं कि इस बार जो मेले का आयोजन किया गया, लेकिन मेले के आयोजन में जो है बार बालाओं का जो है अश्लील डांस वहां पर परोसा जा रहा है। हालांकि आपको बता दिया जाए कि मेले के जो संरक्षक है वो शासन और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है संरक्षण बनाया जाता है। और वहीं इसके दूसरी ओर जो जिस तरीके से बार बालाओं को जो अश्लील डांस यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको लेकर के एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो परिवारी जन है वो अपनी महिलाओं और बच्चों के साथ आती है, इस तरीके के वहाँ पर जो बार बालाओं का डांस अगर देखा जाएगा तो किस तरीके का प्रभाव उनको पड़ेगा। हालांकि जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ साथ ही अब तक पुलिस प्रशासन की पुलिस के द्वारा जो है कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जा चुकी है। हालांकि आपको बता दिया जाए कि बार बालाओं के डांस देखने के दौरान जो आपस में कुछ लोग मारपीट करने पर उतारू दिया गया और मारपीट का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। बिल्कुल आकाश, अगर हम सुरक्षा की बात करें, देखिए मेले में ऐसे अश्लीलता परोसनी कहीं सुरक्षा को लगातार ये नकारता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर कहा जाए परिवार के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं और पुलिस की कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और मारपीट जब हुई है तो वहाँ पर सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं देखे गए? देखिए, जो वीडियो है वो देर शाम का बताया जा रहा है। हालांकि जो पुलिस फोर्स है, एक और प्रशासन की जो दावा कर रहा है कि पूरी तरह से पुलिस फोर्स जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है, किसी तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हो सकती। हालांकि जो मेले के आयोजन में जो बच्चे भी आते हैं और महिलाएं भी आती हैं, इसको लेकर के जो पुलिस की निगरानी रहती है, लेकिन साफ तौर से जो असली डांस जिस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है, बार बालाओं का जो डांस है वो हो रहा है, वहाँ पर जो लोग हैं वो देखने के लिए आपस में मारपीट को उतारू भी हो गए, जिसके बावजूद अब तक वहाँ पर न पुलिस की कोई कार्रवाई देखने को मिली, ना ही कोई पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद मिला। हालांकि एक और प्रशासन पर सवाल ये निशान खड़े हो रहे हैं कि जो प्रशासन और शासन प्रशासन के संरक्षक इस मेले के आयोजन को करा रहे हैं, जिसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं होंगी, तो आम जो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से की जाएगी? जी आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो अलीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मेले में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं देखे गए हैं, पुलिस बेखबर नजर आई है। और बता दें आपको कि बसंत पंचमी का ये मेला लगा हुआ था और जहां पर बार बालाओं ने ठुमके लगाए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में गौसनगर कस्बा निवासी एक शख्स को शराब की लत थी, तो वो कमाई का सारा पैसा शराब में बर्बाद कर देता था। और इसी बीच उसकी पत्नी और भाभी की मुलाकात बरेली के रहने वाले एक तांत्रिक से हुई और उसने तंत्र मंत्र से शराब का नशा दूर करने की बात कही, लेकिन उसकी शराब नहीं छूटी। इसके बाद पत्नी विमला की तांत्रिक से पति को ही रास्ते से हटाने की बातचीत की। हत्या करने के लिए तांत्रिक को उसकी पत्नी और भाभी ने 2 लाख दिए।
इसके बाद तांत्रिक के चार साथियों ने शराब पिलाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया और बरेली ले जाकर हत्या कर दी और वारदात को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सुजीत की पत्नी और भाभी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 जनवरी को श्री कमलेश्वर सिंह, जो मोहल्ला गौस नगर कस्बा व थाना जलालाबाद के हैं, उनके द्वारा अपने बेटे सुरजीत की गुमशुदगी दर्ज कराई गई कि वो 22 तारीख को घर से निकला और कहीं गायब है, उसके बाद से नहीं उसकी जानकारी मिल रही है। इसकी गुमशुदगी दर्ज कर इसकी जांच की जा रही थी। दिनांक 27 को ये जानकारी में आया कि जनपद बरेली में फरीदपुर के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक की लाश मिली थी, जो 22 तारीख को ही मिली थी, और लेकिन बाद में उसकी शिनाख्त की गई सुरजीत के रूप में। और उसके बाद विवेचना के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि सुरजीत और अजीत दो भाई हैं। सुरजीत की पत्नी है विमला और अजीत की पत्नी है संगीता। इन दोनों के द्वारा ये इस बात से तंग आकर कि सुरजीत काफ़ी शराब पीते हैं और किसी तरह से कुछ इनके इनका टोना टोटका करके इसकी आदत छुड़ा दी जाए, इस पर उन्होंने इरफान नामक एक व्यक्ति से संपर्क किया जो पहले से इनके संपर्क में रहा है, जो रहने वाला जनपद बरेली का ही है। और उसको जब बताया तो वो अपने कुछ साथियों को लेकर आया और इसके बाद इसको सुरजीत को अपनी गाड़ी में इको गाड़ी थी जो उसने इस पर लिया था, किराए पर लिया था, और उस गाड़ी में बैठा के उसको ले गया। रास्ते में उसने एक ठेके पर 15 नशीली गोलियाँ डालकर शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद जब आगे ले जाना था उसको कि उसका टुकड़ा टुकड़ा घर पे ले जाके करेंगे, लेकिन जब उसको मालूम चला कि वो एकदम बिल्कुल निढाल हो गया तो ये शक करते हुए कि वो उसकी मृत्यु हो गई, उसने ले जाकर अपने साथियों के साथ वहाँ रेलवे लाइन पर रख दिया था। बाद में रेल की उससे जो है उसका एक बाह कट गया था जिससे उसकी मृत्यु हुई। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर 45 वर्षीय किसान को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है और किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरदोई में विद्युत कर्मियों और ग्रामीण में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और वहीं ये पूरा मामला कछोना कोतवाली के समसपुर गांव का बताया जा रहा है। दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगरा में नाबालिग छात्राओं को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया गया है, जहां 9 नाबालिग और 25 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद एनजीओ संचालक ने एक छात्र का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि एनजीओ संचालक के अनुसार पीड़ित छात्रा ने खुद ही संपर्क किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, हमें तहरीर प्राप्त होती है कि इसमें काफी सारी लड़कियों की ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने इस तथ्य का तुरंत संज्ञान लिया और जांच में जुट गई। जांच से पता चला कि एक नाबालिग लड़की है, उसको एक बालिग लड़के के द्वारा परेशान किया जा रहा था व्हाट्सएप और कॉल से। उस लड़के की तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई है, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। इस गिरफ्तारी के संबंध में कोई और तथ्य भी सामने आए क्या? देखिए, जो FIR में बहुत सारे तथ्य थे कि लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और उनको ब्लैकमेल करके एक बड़ा गिरोह संचालित हो रहा है। हमने सारे तथ्यों को देख लिया गया है, जो दिए हैं एविडेंस है हमने उनको भी देख लिया है। उस एविडेंस में इस घटना के सिवा और कोई एविडेंस नहीं है और इस तरह का कोई गिरोह संचालित नहीं हो रहा है। तो आगरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छात्राओं को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। बता दें आपको कि अज्ञात युवकों के खिलाफ फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जल्द कर ली जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब खबर देवरिया से है, जहां पर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला गोरी बाजार थाना अंतर्गत ग्राम सभा मठिया माफी का है, जहां पर बताया जा रहा है कि उसके निवासी मोर निशा ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को विदेश भेजने के नाम पर 96,000 की बताया जा रहा है लिया है और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जाएगी।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बांदा से खबर है जहां पर बांदा के रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद हनुमान मंदिर के बाहर रेलवे द्वारा एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर यहां से मंदिर हटा लिया जाए वरना रेलवे इस मंदिर को तोड़ने के लिए मजबूर होगा। और वहीं दूसरी ओर जब मंदिर पर नोटिस चिपकाया गया तो लोगों में आक्रोश नजर आने लगा और बजरंग दल ने अपनी पूरी टीम के साथ ही मंदिर के बाहर बैठ करके धरना प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन बेदी का कहना है कि मंदिर तोड़ने की बात तो दूर, कोई मंदिर को उंगली तक नहीं लगा सकता। वहीं लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू धर्म की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर उसी की सरकार में ही हनुमान मंदिर को कैसे तोड़ा जा सकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या मामला सर, ये इस तरह किया जा रहा है कि यहाँ पर रेलवे प्रशासन द्वारा इस मंदिर में एक नोटिस चस्पा कर दिया है कि हम 15 दिन के अंदर अगर इसको जो है किसी को विरोध करना हो तो ठीक है, नहीं हम इसको हटा देंगे। तो रेलवे प्रशासन को हम लोग ये चेताना चाहते हैं कि तो हटाना तो बहुत दूर, एक ईंट हटा के दिखा दे अगर उसमें ताकत है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ताकत का हर आदमी को एहसास होना चाहिए, हर प्रशासन और हर सरकार ये जानती है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की कितनी ताकत है। इसलिए हम उनको चाहते हैं कि इसमें कोई भी विवाद की स्थिति न खड़े नहीं, यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी और माहौल पूरा शहर का क्रिएट होगा। तो बांदा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर रेलवे स्टेशन परिसर और हनुमान मंदिर के बाहर ही रेलवे द्वारा एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर यहां से मंदिर हटा लिया जाए वरना रेलवे इस मंदिर को तोड़ने के लिए मजबूर होगा। और वहीं दूसरी ओर जब मंदिर पर नोटिस चिपकाया गया तो लोगों में आक्रोश भी साफ तौर पर दिखाई दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।